फ्रेंड्स, आज मैं आपको मात्र चार ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनको करके, इन सिर्फ चार एक्सरसाइज को ही करके आप आसानी से अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं। आपको और कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी जगह में ही, अपने रूम में ही, खड़े होकर ही। तो इसका मतलब ये भी है कि इन एक्सरसाइज को हर कोई कर सकता है और इनको करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इन एक्सरसाइज को लगभग 7 से लेकर 10 दिन कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आके रिजल्ट शेयर करेंगे कि आपका पेट बिल्कुल कम हो गया है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, सीधा सा मैं आपको इन चारों एक्सरसाइज को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारी एक्सरसाइज को देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इनको ठीक से कर पाएँ और अच्छे से जल्दी से इनके रिजल्ट आपको मिल जाए। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से खड़े हो जाना है, बिल्कुल थोड़ा सा अपने पैरों को ओपन करना है, जो हमारे कंधे होते हैं उससे 19-20 थोड़ा सा ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरीके से दोनों हाथों को हमें क्या करना है, अपना जो ये सर का पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पर आपको लगाना है। पेट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइट रखेंगे, यानी कि अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे जिससे आपके ये जो कोर मसल्स हैं वो इंगेज हो जाए। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पैर को उठाइए और अपने हाथों को बंद करिए और यहाँ पर अपनी होता है जो आपका घुटना है उसको आपको टच करने की कोशिश करना है। अगर आपका पेट ज़्यादा होगा तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें क्या है, सिर्फ कोशिश ही करना है। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से इसकी पूरी प्रैक्टिस करके बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से 1 2 साइड से देखिए, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 आपको गर्दन को इस तरीके से नहीं झुकाना है, नहीं तो आपको फिर नेक पेन हो सकता है। गर्दन को सीधा ही रखेंगे, बस आपको अपने यहाँ से अपने आप को मोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 8 9 10। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है और जब आप करेंगे ना तो आपको जो पेट है वो अंदर जाता हुआ महसूस होगा। आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, कोशिश करिए इसको पूरा 30 बार करने को, ताकि कम से कम आपका 15 बार एक तरफ से और 15 बार आपका दूसरी तरफ से हो पा रहा हो। ठीक है, और इसके आप कर सकते हैं अपने हिसाब से 2 से लेकर 3 सेट, जितना आप इजिली कर पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे को हमें थोड़ा सा पीछे रखना है। तो मैं आपको साइड से दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आप इसको देख पाएँ। इस तरीके से दोनों हाथों की जो हथेलियाँ हैं उनको इस तरीके से पास पास लाना है और हाथ को ऊपर की तरफ अच्छे से ले जाना है। ये आपकी एक्सरसाइज करते समय पोजीशन होगी। अब सिंपल सा क्या करेंगे, जो आपका पैर पीछे की तरफ था उसको आगे की तरफ लाएंगे, इस तरीके से नीचे अपने हाथों को टच करेंगे, फिर वापस पैर को पीछे की तरफ ले गए, पैर को आगे की तरफ लाए, नी को टच किया पीछे। इस दौरान आपको अपने पेट को टाइट करके ही रखना है। तो पहले हम एक पैर से कर लेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। देखिए अच्छे से, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके 1 2। अब देखिए आपको कहाँ पर प्रेशर फील हो रहा है, आपके इस टमी एरिया पर ही आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ प्रेशराइज होगा जब आप करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी तरफ करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों तरफ से आपको 15-15 बार करना है, इसको भी टोटल 30 बार, और इसके लगाने हैं आपको शुरुआत में 2 सेट, 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद जब आप करने लगेंगे अच्छे से तो इसको आप 3 सेट तक जरूर ले जाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, आपकी पूरी लोअर वैली कम होगी, अपर वैली कम होगी, ये पूरा आपका जो पेट है वो कम होगा, साथ में अगर आपका ये साइड पर फैट है लटका हुआ है तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज हो गई। अब देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत खास है, इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा खास है। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सबसे पहले ऊपर की तरफ ले जाइए इस तरीके से, और पैर को उठाना है और आपकी जो पैर की जो एड़ी होती है यहाँ पर आपको टच करना है। ठीक है,
वापस जाना है, फिर इस तरीके से पैर की एड़ी को टच करना है। ध्यान रखें आपको इसको अच्छे से इस तरीके से करना है, आप ये इस तरीके से मत करिए, नहीं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिल पाएंगे। इसमें हमें अच्छे से जितना अच्छे से आप एफर्ट्स डाल देंगे उतना ही अच्छा आपको अपने पेट पर इसका इफेक्ट दिखेगा। तो ध्यान से देखिए इस तरीके से साइड से देखिए, पहले थोड़ा सा ये इस तरीके से अच्छे से आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, देखिए 1 2 3 4 पेट को टाइट, 5 6 7 8 9 10। कई लोग क्या करते हैं इस तरीके से इस एक्सरसाइज को ये करते हैं, तो फिर क्या होता है कि पेट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, आपके जो मसल्स हैं वो भी टारगेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट कम मिल पाता है। तो इसको बिल्कुल भी आपको आलस में नहीं करना है, अच्छे से एफर्ट्स डाल के पेट को टाइट रख के अपनी बॉडी को सीधा रखे इस तरीके से करना है। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे ना तो देखिए आपका जो पेट है वो पूरा अंदर की तरफ जाएगा बहुत अच्छे से, ये आपका हिस्सा है वो टारगेट होने वाला है। 20 से लेकर 30-40 टाइम करना है, जितना आप अच्छे से कर सकते हैं, और इसको भी आपको 2 से लेकर 3 सेट में करना है। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ये बहुत सिंपल है, आराम से करना है। सीधा सा खड़े हो जाना है, दोनों हाथों की जो हथेलियाँ हैं उनको पास लाना है, ऊपर की तरफ खींच कर हाथ को ले जाना है, और सिंपल सा इस तरीके से आपको बस करना है ये। अगर आप ब्रीथ के साथ कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने और छोड़ने के साथ आपको प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करते समय, तो नॉर्मल करिए। दोनों तरीके से बताने वाली हूँ, देखिए समझिए। सीधा सा खड़े हो गए और ये आपको करना है, जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो सांस को छोड़िए, सांस को खींचिए, सांस को छोड़िए, सांस को खींचिए। देखिए प्रैक्टिस करके बताऊँगी तो अच्छे ही समझ पाएंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाक से सांस को हमें क्या है खींचना है और मुंह से छोड़ना है, नाक से खींचा मुंह से छोड़ा, थोड़ा सा ही करना है, इस तरीके से नहीं करना है नहीं तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा ही करना है, पेट को टारगेट करने की कोशिश करना है, और इस एक्सरसाइज के इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। जिन लोगों को अपना पूरी बॉडी का फैट कम नहीं करना है, वेट लॉस भी नहीं करना है, उनका वजन ठीक है, सिर्फ पेट कम करना है, ये एक्सरसाइज उनके लिए मैजिक की तरह काम करती है। कोशिश करिए बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप खाली पेट करिए। अगर आपको सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, खाली पेट नहीं कर पाते हैं, तो खाना खाने के 3.5 से लेकर 4 घंटे बाद आप इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फिर चाहे सुबह दोपहर शाम को कभी भी कर रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको डाइट का भी ध्यान रखना है, डाइट अच्छी रखना है। जब आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, उसको बिल्कुल क्लीन रखते हैं, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जितना आपने सोचा है उससे भी जल्दी और अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सच है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आप को हमेशा फिट रखें।